देख सकते हैं यहाँ पे दैनिक जागरण में पब्लिश किया गया है, और ये पब्लिकेशन का डेट यहाँ पे बता दे तो 2 अगस्त कल शाम 4 बजे ये पब्लिश किया गया है, ठीक है, दैनिक जागरण में। देखिए क्या कहा गया है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जो भी 2021 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे बिहार छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा की उम्मीद लगाए छात्रों को निराशा हुआ है। यहाँ पे 3,20,000 आवेदन अभी भी लंबित पड़े हुए हैं, यानी कि 3,20,000 आवेदन लंबित पड़ा हुआ। देखिए क्या कहा गया है कि वजीफे के लिए विश्वविद्यालय में, यानी कि जो कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं एंटर वाले, ठीक है, 3,20,000 आवेदन अभी लंबित पड़े हुए हैं। हालांकि आवेदनों की परीक्षण में 56,654 तो त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, यानी उसको ऐसे ही साइड कर दिया गया है, और इस वजह से छात्रवृत्ति और फीस की भरपाई, सरकारी सुविधा पाने की उम्मीद लगाए गरीब एवं जरूरतमंद छात्रों को निराशा लगी। देखिए हुआ क्या है कि बहुत सारे छात्र जो है पिछले साल भी आवेदन किए थे, जिसमें 3,20,000 ऐसे छात्र हैं जिनका पैसा अभी तक स्कॉलरशिप का नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन के कारण जो है स्कूल कॉलेज की तरफ से क्या गलतियाँ हुई हैं, जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले स्कूल कॉलेज की तरफ से भी दिया जाता है, तो वो स्कूल कॉलेज ने दिया ही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोरोना महामारी का असर कहें या विश्वविद्यालय की लापरवाही, ठीक है, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रखे हैं, कि वजीफे के लिए विश्वविद्यालय में आए 3,20,000 आवेदन लंबित पड़े हुए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉलेज की ही ये लापरवाही है। हालांकि आवेदनों के परीक्षण में 56,654 जो हैं आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, तो यानी कि 2021 में जो आवेदन होना है उसकी लिस्ट जो है वो जारी होगी, और उसके अनुसार ही लोग जो है आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्कूल कॉलेज की वजह से गलती हुई है, और इसकी वजह से छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा पाने उम्मीद लगाए गरीब जरूरतमंद छात्र छात्राओं को लंबित आवेदन को लेकर विश्वविद्यालय का जवाब भी दिलचस्प है। बहुत ज़्यादा निराशा लगी है, और 2020-21 वाले और जो अभी 2021-22 वाले हैं उनके भी लिए भी अर्जियों का निष्पादन किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब दोनों का एक साथ होगा, क्योंकि पिछले साल वाला लॉकडाउन के कारण लंबित पड़ा हुआ है और 2021 वाला अब शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि दिलचस्प बात है कि दोनों का निष्पादन किया जा रहा है, अब दोनों का एक ही साथ निष्पादन होगा और दोनों के लिए लिस्ट एक ही साथ जारी होगा, और छात्र जो है एक लिस्ट जारी होगा किसका किसका पैसा आया है 2020 वाला, और एक लिस्ट जारी होगा 2021-22 में, यानी इस साल 2021 में जो पास किए हैं इंटर मैट्रिक का, उस लिस्ट में किसका किसका नाम है। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट, तो 5 सेकंड में डाउट के साथ उन्हें करो आउट। बस आपके सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से बरहमी IIT और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और वही जो है आवेदन करेंगे, और आवेदन करने के बाद जो आपका प्रिंट आउट होगा उसे अपने स्कूल कॉलेज में जमा करना है, क्योंकि जमा करना ही मेन बात हो जाता है। पिछले साल जो है जमा करने के बाद भी स्कूल कॉलेज में लॉकडाउन होने की वजह से वो डॉक्यूमेंट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण है ये पैसा जो है लंबित हो गया है। कई त्रुटियों को करने के लिए अपना गूगल क्रोम खोल लेना है इस तरीके से, और आपको सर्च करना है SKT एग्ज़ाम। इस तरीके से आप सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपके सामने जो पेज खुलेगा, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और उस पर सबसे पहले जो पेज है उस पर ही आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। SKT एग्ज़ाम लिखा हुआ आएगा, उस पर फाइनली हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा इस तरीके का। अब जो है ई कल्याण बिहार स्कॉलरशिप 2021 जहाँ लिखा हुआ है उस पर हमें क्लिक करना है, तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा, और हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे आपको लिंक दी गई है, वहाँ पे जाकर आप डॉक्यूमेंट भी देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, एक बार अपडेट हो लेंगे, लेकिन पूरी वीडियो भी ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप सारी प्रक्रिया आगे कर पाएंगे, लेकिन आगे बता दें कि आगे आपको क्या कहा गया है ये भी देख लेते हैं। चलते भी अर्जियाँ लंबित है, इसका खुलासा सूचना के RTI के अधिकार के तहत हुआ है। एक छात्र ने RTI कर दिया, देखिए यहाँ पे कैसे किया है।
आरटीआई कार्यकर्ता सी प्रकाश राय ने बताया कि जानकारी मांगे जाने पर अक्सर स्कूल या विश्वविद्यालय द्वारा पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है। सही बात है, जब भी आप कॉलेज जाओगे कि सर मेरा पैसा आया या नहीं आया, क्या मेरा डॉक्यूमेंट जमा हुआ या नहीं जमा हुआ, तो ऐसा ऐसा बहाना बनाएंगे या उल्टा पुल्टा बोलकर आपको वहाँ से भगा देंगे। इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में दर्ज कराई गई। तो उस लड़के ने क्या किया, अपने स्कूल या कॉलेज का जो शिकायत है वो दर्ज करा दिया राज्य सूचना आयोग में। छात्रवृत्ति के लिए किए गए आवेदनों में मामूली त्रुटियों की वजह से राशि रोकने रखा कहाँ का न्याय है, यानी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो लोग राशि रोक देते हैं कि पैसा नहीं देते हैं, आपका ईडर है, आपने गलत डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। तो उनका कहना है कि अगर थोड़ी बहुत गलती हुई है तो आप राशि कैसे रोक सकते हैं, इससे गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इनमें सर्वाधिक आवेदन इंटर और स्नातक में प्रथम श्रेणी से पास करने वाले छात्र छात्राओं के भी है, ठीक है। साथ ही डिग्री 36 डिग्री कॉलेज के लाभार्थियों के नाम भी विश्वविद्यालय की सूची से गायब है। इस वजीफे की हकदार बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना का लाभ से भी वंचित होना पड़ रहा है, यानी लड़के को तो होना पड़ ही रहे हैं और यहाँ पे छात्राओं को भी होना पड़ रहा है। जो भी इंटर या ग्रेजुएशन में छात्राओं को जो स्पेशल पैसा मिलता है उसमें भी यहाँ पे कन्या उत्थान वाली योजना में भी छात्राओं को भी पैसा अभी तक नहीं दिया जा रहा है। और इसकी परेशानी की वजह से उस लड़के ने आरटीआई कर दिया है और आरटीआई का जवाब देना पड़ जाता है। और ऐसे में बिहार बोर्ड जो है जल्द जो है 2021 और 22 का, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है देख लेते हैं एक बार फिर से 2020 और 21 का पैसा एक साथ आएगा और 2021 और 22 का लिस्ट भी एक साथ जारी होगा, यानी लगातार यहाँ पे अब बहुत जल्द होगा क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन खत्म हो गया है। जो भी 2021 के स्टूडेंट हैं उन्हें देर नहीं होगा, भले ही 2020 वालों का देर हो गया, पैसा आने में आवेदन हो गया था, अभी तक पैसा नहीं आया है छात्र छात्राओं के पास, ठीक है। तो ऐसे में बिहार बोर्ड ने भी माना है कि 3,20,000 छात्र छात्राओं के पैसे जो हैं अभी तक लटके हुए हैं, यानी 3,20,000 अपने आप में बहुत, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या, और इतने छात्रों के पैसे अभी तक नहीं आए हैं। तो 2021 वाले जो हैं उनका लिस्ट आने वाला है और इसी कारण जो है आरटीआई किया गया कि 2021 वालों का लिस्ट आ रहा है और 2020 वालों का पैसा अभी तक नहीं आया है। तो 2021 वालों के लिए लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में नाम देखना है और उस लिस्ट के अनुसार ही आप लोग का ऑनलाइन आवेदन होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उस पेज को, ठीक है, जो आप प्रिंट आउट आएगा उसे अपने स्कूल या कॉलेज में जमा करा देना है। जमा करा देने के बाद उससे रिसीविंग ले लेनी है और वो रिसीविंग अपने पास रख लेनी है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज आपको बहाना कर देते हैं, रिसीविंग नहीं देते हैं, तो इसी यहीं पर गलती हो जाती है। जब भी आप जमा करें तो स्कूल कॉलेज से रिसीविंग मांगे, एक फ़ोटो कॉपी अपने पास ले लें और एक फ़ोटो कॉपी वहाँ जमा करें और उस पर सिग्नेचर या स्टाम्प कॉलेज का जरूर से ज़रूर लगवाएं। इससे आपके पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा, अगर आपका पैसा फंसता भी है तो आप सीधे कल्याण विभाग ऑफिस जाकर भी अपना पता लगा सकते हैं, लेकिन जब स्टाम्प लगा हुआ रहेगा, सिग्नेचर लगा हुआ रहेगा तभी। जब तक स्टाम्प और सिग्नेचर नहीं लगा रहेगा ई कल्याण ऑफिस में भी जाकर आप दर्रर की ठोकरें खाओगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ जागरूक स्टूडेंट हैं वो इतना काम जरूर करें, ठीक है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सटीक बनाएं, क्योंकि थोड़ा सा अगर प्लस माइनस होता है सर्टिफिकेट में तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप लोग अपना सही करवा लें कि आप लोग का पैसा नहीं फंसे। तो डॉक्यूमेंट बिल्कुल जरूर से जरूर बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।